हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव हर्ट की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, सीधा पे ध्यान ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है रखे, जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करना है, ठीक है? तो ये इस वक्त की फीलिंग्स आपके पार्टनर के आपके लिए इस रिलेशनशिप का आउटकम बताइए। यूनिवर्स रीडिंग जो कि सबके साथ रेजोनेट कर जाती है। बॉटम इज द मैजिशियन, वाओ। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया जा रहा है एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा दुआओं में मांगा जा रहा है भगवान से, जैसे कि मन्नतें मांगी जा रही है, भगवान मैं ये करूँगा वो करूँगा, प्लीज़ मेरे पार्टनर को वापस दे दे। होता है ना, मैं इतने बच्चों को खाना खिला दूँगा, इतने लोगों को गिफ्ट दे दूँगा, लेकिन प्लीज़ मेरा पार्टनर मुझे वापस दे दे। बहुत सारे लोग यहाँ पे करंट में स्पेल वर्क कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, ठीक है? और यूनिवर्स आपको करंट में यही बता रहे हैं कि आपका ये मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है क्योंकि बर्थडे में ही मैजिशियन आया है। मैजिशियन मतलब कि जादू, मिराकल, जो कि आपकी ज़िंदगी में होगा ही होगा। मैजिशियन का कार्ड यही शो करता है कि ये रीडिंग सबके लिए निकल के आई है, तो देखते क्या निकल के आता है। करंट में आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं? सेंटर में ही यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्स है, जो कि करंट में आपके पार्टनर इस रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से जो इन्होंने आपको तकलीफ दी है, जो तरसाया है, जो रुलाया है, जो वेटिंग एनर्जीज में डाला है, नो कांटेक्ट में डाला है, बार बार ब्लॉक करते रहते, अच्छे से बात नहीं करते, आपका दिल तोड़ देते हैं, आपसे रूड एनर्जीज करते हैं, ये सारी बातें जो कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये इस तरह से सोच रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये दिल से आपको अपना आधा हिस्सा मानते हैं, ये दिल से आपको अपना मानते हैं। चाहे जो हो जाए, भले ही इन्होंने इस रिलेशनशिप में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी लाई है, लेकिन ये कभी भी अपने दिल में उसको जगह नहीं दे पाए। ये करंट पास, ये रिसेंट पास में आपसे मिलने के लिए भी आए थे, कुछ बोलने के लिए भी आए थे, लेकिन हो सकता है कि आपका फिर से थर्ड पार्टी की वजह से ही झगड़ा हुआ है, जिस वजह से फिर से नो कॉन्टैक्ट में चले गए। अनबन बहुत ज़्यादा है, ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा चलता है और आपके पार्टनर करंट को यही सोच रहे हैं। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा शादी के प्रॉमिसेस किए थे, आपको हमेशा रिसेंट पास में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखा है, ये चॉइस नहीं कर पाए थे उस टाइम पे। हो सकता है कि इनका माइंड काम नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे जैसे कि उल्टा चांद जो कि नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक को भी शो करता है, हो सकता है कि इनका माइंड उस वक्त इनके कंट्रोल में नहीं था और जो कि एक कन्फ्यूजन की वजह से आपको छोड़ने का डिसीजन इन्होंने ले लिया और किसी और से शादी कर ली। यही शादी बनी है आपके इस रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट की वजह, या फिर अपने घर वालों की मर्जी से आपको छोड़ना। अपने घर वालों के सामने बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने की कोशिश करने के बावजूद स्टैंड नहीं ले पाना और जैसे कि अपने आप को इस तरह से मतलब मजबूर पाना, और यही मजबूरी बनी आपके इस नो कॉन्टैक्ट की वजह, और जो कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ मतलब पागल बनकर रह गए उस टाइम पे। तो उसके बाद जो कि इन्होंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन नहीं, ये आपके किसी भी सवाल के आंसर पे खड़े नहीं उतरे, ये नहीं प्रूव कर पाए अपने आप को। करंट में भी इनका प्रॉब्लम यही है कि ये थर्ड पार्टी आपके इस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बना हुआ है। इनका सबकॉन्शियस माइंड में फिट है, मुझे जाना ही, बात करनी है, बहुत दिल करता है, बहुत थॉट्स आते हैं बात करने के, आपको बड़ी वाली कमिटमेंट दे रहे कि आपको शादी का प्रॉमिस करने के, बहुत दिल करता है, आपको स्टेबल रिलेशनशिप देना चाहते, आप जो चाहते हो, मैंने बोला जैसे कि आप जो चाहते हो वही आपके पार्टनर करंट में करना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ बोलने का थॉट्स आता है, लेकिन इसको एक्शन में लेने का इनके पास ऑब्स्टेकल में आया है स्ट्रेंथ, हिम्मत नहीं है। इनको डिवाइन बार बार बता रहे कि जा बात कर, एक्शन ले, लेकिन हिम्मत नहीं होने की वजह से ये पर्सन बात नहीं करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। इनको आपको लेके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स दिखाए जाते हैं, सपनों में आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, और जो कि इनका दिल भी इनको बोल रहा है कि जा, तेरा पार्टनर तेरा बहुत इंतज़ार कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है तेरा, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है तुझे, तूने उसके साथ जैसे कि बहुत गलत किया है,
इनको बहुत जैसे कि सपने में भी दिखाई देता है, लेकिन इनके अंदर करंट में स्ट्रेंथ नहीं है आपसे बात करने का। नियर फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे, आपको बहुत मिस करेंगे, और जैसे कि चोरी छुपे, ठीक है, ये आपके ऊपर नज़र रखेंगे, हर वक्त हर पल आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो देखते रहेंगे, और जैसे कि कंप्लीट अपने आप को जैसे कि इस तरह से मजबूर पाएंगे कि ये चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यस, आउटकम में आया है, ये आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे। ये इस रिलेशनशिप में पहले जैसे सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। भले पहले इनकी मेहनत नाकाम हुई थी, लेकिन अब इनकी मेहनत कामयाब होगी, क्योंकि बॉटम में मैजिशियन है। इस रिलेशनशिप में मिरेकल होगा, इस बात के ऊपर इनका भरोसा बढ़ेगा और ये खुद इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाएंगे, क्योंकि आपका प्यार इनको मजबूर कर देगा आपके पास लौटने के लिए। ये आउटकम आया है, ठीक है, 2 महीने पहले झगड़ा हुआ है, तो अभी करंट में ऑन एंड ऑफ, ब्लॉक अनब्लॉक ऐसा कुछ चल रहा है। 8 दिन 8 हफ्तों में आपका रीयूनियन होने वाला है, ठीक है। आपके पर्सन आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर 100% वर्क करेंगे, ठीक है। परेशान हो जाएंगे आपको याद कर करके और मजबूर हो जाएंगे आपके लिए एक्शन लेने के लिए, ठीक है। इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है, देखा मैंने बोला ना, इन्होंने जो भी आपके मतलब कि हाइड करके रखा है आज तक, जो आपको बताया नहीं है ये आपको बताएंगे। जैसे कि अपने इमोशंस पे जो पर्दा डाल के रखा है ना अब तक, जैसे कि बताते नहीं, अभी जो भी तकलीफ होती है बता के कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते। फ्यूचर में इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एफर्ट्स लगाने स्टार्ट कर देंगे और ये आपको बता देंगे सब कुछ अपने दिल में जो भी छुपा के रखा है, कि ये थर्ड पार्टी क्यों आई, कैसे आई, मजबूरी क्या थी, और जैसे कि कब तक मतलब आज तक इन्होंने आपको लेके क्या कुछ सोचा, क्या कुछ फील किया, अब तक आपसे बात क्यों नहीं की, और अगर रूड बिहेवियर किया है, गाली गलौज की है, तो ऐसा क्यों करना पड़ा। ये सारी बातें आके आपको बताएंगे, और जो कि आपका रीयूनियन हो जाएगा, ठीक है। आउटकम में आया है 2 से 3 महीने लग सकते हैं, 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं आपके इस रिलेशनशिप में रीयूनियन के लिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से डेफिनेटली क्लेम करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, अगर आपको फील हुआ कि यस ये मेरी स्टोरी थी, तो डेफिनेटली ये आउटकम आपके लिए साबित हो सकता है, ठीक है। रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। अगर आपको ब्रेसलेट भी ले रहे हैं, आपको सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।